जय छठी मैया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज दिनांक 3/11/2019 को पावन पर्व छठ त्योहार है, और इस दिन सभी लोग श्रद्धा पूर्वक छठ मनाते हैं। जैसा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि ये बिहार का पर्व है, ऐसा नहीं है। ये त्योहार जो है पूरे भारत, पूरे विश्व का त्योहार है। अक्सर आप देखने को मिलेगा आपको कि जैसे डांडिया है तो आप झारखंड या बिहार में नहीं खेलते हैं, जैसे ओणम है तो बिहार में फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। लेकिन जो छठ पूजा है, आप देखेंगे कि राजस्थान से लेकर केरल तक जहाँ भी कोई आपको तालाब देखने को मिल जाएगा, और छठ पूजा के दिन उस दिन देखिए जाके उस दिन वो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मैं और मेरे दोस्त यादव जी हैं। जैसा कि सभी को संभव नहीं हो पाता है कि हम लोग छठ फेस्टिवल में घर जाएं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी कोई घर पे ही जाके छठ मनाए। बाहर भी सब कोई मना सकते हैं। जहां पर आप हैं वहीं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, और इस महापर्व पे आस्था रखिए। हम नहीं जा पाए घर, ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने नहीं पहुंच पाता है टाइम से। कुछ कार्य, कुछ भी रीजन हो सकता है। आज अच्छा लग रहा है, हमारे दोस्त जो हैं यादव जी, ये भी कुछ छठ त्योहार के बारे में बोलेंगे, थोड़ा सा बोलिए। जय छठी मैया। हाँ, बस यही जो है आस्था हम लोगों को आपस में एकजुट किए हुए है, और आपस में मिलकर इस त्योहार को आपस में मनाने का ये एकजुटता बनाए रखता है। और हम और सभी आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, और इसी तरह आप अपने परिवार के साथ छठ पूजा मनाते रहिए। इसके बारे में कुछ लोक कथाएं भी है, सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और मैं और मेरे दोस्त यहाँ आए हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, छठ पूजा भी मना रहे हैं, वो भी हैं। ये सभी हम लोग कुछ कारण से अपने घर नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई दुख नहीं हुआ, और हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर छठ त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए जय छठी मैया।